वंदे पुरुषोत्तमम्। श्री श्री ठाकुर जी की एक वाणी है कि झंझट तूफान जितना भी आवे, मन में रखना जोर, माथे पर तेरे दयाल ठाकुर, क्या चिंता तेरी ओर। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री अनिल कुमार सिंह, इसी वाणी पे उन वो अपने बारे में लिखते हैं। मेरी दीक्षा उसका शीर्षक है। वो लिखते हैं कि उस समय मैं लातेहार अंचल कार्यालय में कार्यरत था। मांसाहार मेरा पसंदीदा भोजन था एवं शराब उसका सहचर। मेरी पत्नी एवं बच्चे मुझसे काफी परेशान एवं भयभीत रहते। हिम्मत बांधकर एक दिन मेरी पत्नी ने कहा कि पड़ोस के बंगाली परिवार काफी खुशी एवं आनंद में रहते हैं, उन्होंने गुरु ग्रहण किया है, वे श्री श्री ठाकुर जी के शिष्य हैं, आप भी श्री श्री ठाकुर जी का शिष्य बन जाइए, इससे हम लोग भी आनंद में रहेंगे, खुश रहेंगे। मैंने अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं दिया एवं गाड़ी लेकर निकल पड़ा। शाम को जब घर लौटा तो पुनः मेरी पत्नी ने अपनी सुबह वाली बात दोहरा दी। मैंने उसे डांटते हुए कहा, ये सारी बातें बेकार की हैं, मैं गुरु की तलाश में कहाँ कहाँ नहीं भटका, काशी, अयोध्या, पुष्कर, यहाँ तक कि हिमालय भी गया, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसे मैं अपना गुरु मान सकूं। तुम अपने काम से मतलब रखो, ऐसी बेकार की बातें फिर मुझे मत कहना। उसने मुझसे इस विषय पर फिर कभी चर्चा नहीं की। मेरे एक सहपाठी देवेंद्र कुमार सिन्हा, जो श्री ठाकुर जी के शिष्य थे, लातेहार आ गए। मैं अक्सर शाम के समय पी खाकर उनके घर पहुंच जाया करता था एवं उनका भी भोजन खा लिया करता। उन्हें कह देता, आप मेरे यहाँ आकर भोजन कर लीजिए। वे कहते, मैं प्याज लहसुन वाली सब्जी नहीं खाता हूँ। मैं भी मजाक के लहजे में कहता, लाला घास भूसा खाते हैं, इसलिए आपको अच्छा नहीं लगता है। आप मेरे यहाँ भोजन करें या ना करें, लेकिन मैं आपके यहाँ भोजन अवश्य करता रहूँगा। एक दिन देवेंद्र बाबू मुझे काफ़ी आजन किए एवं श्री श्री ठाकुर जी से युक्त होने के लिए भी कहे। मैंने उनकी एक न सुनी। अगस्त 2001 के 20 तारीख को देवेंद्र बाबू ने एक बुजुर्ग भद्र व्यक्ति के साथ मेरी मुलाकात कराई। उस भद्र व्यक्ति ने श्री श्री ठाकुर जी के बारे में बहुत सारी बातें बताईं एवं दीक्षा ग्रहण के लिए कई बार आग्रह किया। मैंने झुंझलाते हुए उनसे कहा, आप ब्राह्मण हैं, आप चाहें तो 500, 1000 रुपये दक्षिणा ले लीजिए, लेकिन दीक्षा की बात मत कहिए एवं मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। फिर भी वे दीक्षा के लिए जिद करते रहे। मैंने मन ही मन सोचा, आज तो यह ब्राह्मण मुझे बर्बाद करके ही छोड़ेगा। आखिर मैं थोड़ा सामान्य हुआ। मैंने कहा, मैं इस मुद्दे पर अपनी पत्नी से विमर्श करता हूँ। जब पत्नी से श्री श्री ठाकुर जी की दीक्षा लेने की बात कही तो वह साफ मुकर गई। वह बोली, इतनी जल्दी दीक्षा नहीं हो सकती। लेकिन बार बार उस ब्राह्मण देवता की आग्रह ने मुझे उधेड़बुन में डाल रखा था। मैंने एक बार फिर अपनी पत्नी से कहा, देखो, तुम तो भोलेनाथ की भक्त हो, एक बार उनके सामने लॉटरी करके देख लेते हैं, जो परिणाम निकलेगा वैसा ही करेंगे। फिर हमने कागज का एक दो टुकड़ा लिया, एक में हाँ और एक में ना लिखा एवं उसे मिलाकर पत्नी को उसमें से एक टुकड़ा उठाने के लिए कहा। पत्नी ने जो टुकड़ा उठाया, मैं जब उसे खोल कर देखा तो उसमें हाँ लिखा पाया। हम लोगों ने इसे ही भोलेनाथ की इच्छा मानी। मेरे मन में आया, अब मेरे मांस, मछली, मुर्गा, अंडा, शराब इत्यादि का क्या होगा। कुछ देर चुप रहने के बाद पत्नी से कहा, क्षत्रिय एक बार निर्णय लेता है, बार बार नहीं। मैं दीक्षा का निर्णय ले चुका हूँ, इसलिए दीक्षा लूंगा ही। अगले दिन सुबह 4-5 बजे के बीच दीक्षा का समय निर्धारित किया गया। रात भर मैं ठीक से सो नहीं पाया। ब्रह्म मुहूर्त में ही हम लोग स्नानादि करके एवं नए वस्त्र धारण करके दीक्षा के लिए तैयार हो गए। देवेंद्र बाबू के साथ ब्राह्मण देवता मेरे घर पर निश्चित समय पर आ गए। हम लोगों को संकल्प के साथ ध्यान की पद्धति बताई गई। इस तरह ब्राह्मण देवता के माध्यम से हम लोगों को श्री श्री ठाकुर जी का सतनाम मिला। उसके बाद मैंने उन ब्राह्मण देवता, जो अब हमारे ऋत्विक देवता बन चुके थे, का नाम जाना कि वे श्रद्धेय श्री अरविंद चतुर्वेदी हैं। मैंने उनसे कहा कि दादा, आज से मैं आपको चतुर्वेदी दा के नाम से पुकारूंगा। आप जब भी लातेहार आए मेरे यहाँ अवश्य पधारें,
उन्होंने ऐसा ही आश्वासन दिया। मेरी दीक्षा की खबर सुनकर मेरे पड़ोसी कहने लगे, एक ठाकुर जी क्यों, हजारों ठाकुर जी भी आ जाएं तो भी अनिल बाबू सुधर नहीं सकते। आज शाम को ही देख लीजिएगा। शाम का समय हुआ, मेरे पुराने मित्रगण आने लगे। मैं अपने दरवाजे पर बैठा था, किसी से कुछ नहीं कह रहा था। मैंने उन लोगों से कहा, आप लोग पैसे लीजिए एवं मौज कीजिए, लेकिन मेरा इंतजार मत कीजिए। वे लोग कहने लगे, राजा के बिना राजधानी सूनी लगेगी। मैंने कहा, आज से मैं इस पद को आप लोगों को सौंपता हूँ। अंततः वे लोग चले गए एवं मैं अपने दरवाजे पर ही बैठा रहा। मेरे पड़ोस के ही बैजनाथ राम जी, जो मंत्री के पिए हैं, मेरे पास आए। मैंने उन्हें अपनी दीक्षा के बारे में विस्तारपूर्वक बतलाया। इसे सुनकर वे काफ़ी प्रसन्न हुए। मैं ऋत्विक देवता द्वारा बताए रास्ते पर चलता रहा। कुछ दिनों बाद आस पड़ोस के लोग कहने लगे, निश्चित रूप से श्री ठाकुर जी सत्य हैं, जो अनिल बाबू जैसे लोगों को भी सुधार दिए। दीक्षा के कुछ दिनों के बाद मेरी धर्मपत्नी के आग्रह पर हम लोग हरिद्वार गए। जैसे ही हरिद्वार पहुँचे, मुझे सूचना मिली कि मेरे घर पर चोरी हो गई है। पत्नी को जब पता चला तो वह काफ़ी नर्वस हो गई। हम सभी तुरंत वहाँ से लौट आए। इस घटना के कुछ दिनों के बाद एक और घटना मेरे जीवन में घटी। मेरा 7 साल का बेटा मिहिर, वह मोटरसाइकिल दुर्घटना का शिकार हो गया एवं उसके दोनों बाहों की हड्डी चूर चूर हो गई। एक डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह ठीक हो जाएगा। उन्होंने यहाँ तक भरोसा दिलाया कि मेरा अपना कोई बेटा नहीं है, मैं इसे अपने बेटे की तरह ही समझता हूँ। जरूरत पड़ी तो इसे इंग्लैंड अमेरिका ले जाऊँगा, तुम विश्वास करो वह ठीक हो जाएगा। मैंने मन ही मन ठाकुर जी को प्रणाम किया एवं निवेदन भी किया कि दयाल आप दया करेंगे। उनकी दया से आज वह लड़का स्वस्थ है एवं बड़ा होकर उसने ठाकुर जी का दीक्षा ग्रहण किया है। उसने 12वीं में 91% अंक के साथ उत्तीर्ण होते हुए IIT में सफलता अर्जित किया है। एक घटना और मेरे जीवन में घटी। मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने सभी लोगों से बात तक करना छोड़ दिया, क्योंकि सबों का यह मानना था कि जब से मैंने दीक्षा ली है मैं बर्बाद हो गया हूं, परेशान रहता हूं। सभी कहते, दीक्षा छोड़ो एवं जिस तरह पहले रहते थे उसी तरह से रहो। मैं इन सब बातों को सुन सुनकर थक गया था। इसी बीच मेरी सासू माँ भी फोन करती रहीं। मेहमान जी, मैं एक बात कहूँ? मैंने झट से कहा, मेरे ठाकुर एवं गुरु को छोड़कर और कुछ भी कह सकती हैं। लेकिन उन्होंने वही बात कहना चाहा कि जब से आप ठाकुर से जुड़े। झट से मैंने फ़ोन काट दिया। मैं ठाकुर जी के पास जाकर रोने लगा, कहने लगा, प्रभु ये आपकी कैसी परीक्षा है, मैं आपको छोड़कर नहीं रह सकता। इसके बाद परमदयाल की अशेष दया से धीरे धीरे मेरी स्थिति सामान्य हुई। मेरा स्थानांतरण डाल्टनगंज हो गया। मैं डाल्टनगंज जाने के लिए अपना सामान गाड़ी में लदवा रहा था, तभी देवेंद्र बाबू आए और हंसते हुए कहने लगे, अभी आपको शशि ठाकुर के लिए एवं शशि दादा की इच्छा पूर्ति के लिए काफ़ी काम करना है एवं इसी में आपका मंगल छुपा है। अब पूरे परिवार के साथ नियमित रूप से यजन याजन इष्टवृत्ति प्रार्थना यथा समय करता हूँ। अपने बच्चों को ठाकुर जी के सामने बैठकर इष्टवृत्ति करते हुए देखने पर आंतरिक खुशी होती है। मैं पुरानी बातों को भूलने लगा था। मैं सबके साथ प्रेम के साथ वार्तालाप करता हूँ। जो भी समस्या आती उसके निदान के लिए परम दयाल से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ता जाता हूँ। पहले मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, लेकिन अब वैसी बातें नहीं रहीं। एक दिन दरवाजे के निकट बैठकर मैं मन ही मन सोच रहा था कि पहले मैं कैसा था, अब मैं कैसा हूँ। मेरे गुरु परमदयाल मेरे इतने निकट थे और मैं उन्हें कहाँ कहाँ ढूंढता रहा। परमदयाल श्री ठाकुर जी की दया से एवं पूज्यपाद श्री दादा का आशीर्वाद पाकर आज मैं इष्ट को सर्वोपरि बनाकर आगे बढ़ रहा हूँ। पूजनीय बबाईदा, पूजनीय सिपाहीदा एवं पूजनीय बिंकीदा से मेरा आंतरिक निवेदन है कि इष्ट पथ पर चलने के लिए वे हमें प्रेरित करते रहें। किसी भी परिस्थिति में ठाकुर के प्रति मेरा विश्वास प्रेम भक्ति कभी कम न हो, यही परम दयाल से मेरी एकांत विनती है। 7 अक्टूबर 2013 पेज संख्या 33, 34 और 35 से। जय गुरु।